महुआ, तेंदू पत्ती और लकड़ी, इसके अलावा आसपास कोई शुगर मिल है, चीनी मिल? चीनी मिल कोई नहीं है, कंपनी है नहीं, फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं। काम करना होता है तो या ये करो या क्रेशर पे जाके। अच्छा, ज्यादातर लोग पलायन यहाँ पे सुन रहे कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, 10 महीने किए, 8 महीने कर दिए, कहो 9 महीने कर दिए और 2 महीने कर दिए। अधिकारी ने क्या कर लिया? अच्छा, अब उसमें क्या होता है, जैसे हम काम कर रहे हैं, हमने काम किया है, उसमें हमारे खाते ना लेकर के दूसरे खाते ले लेते। 1 लाख का टारगेट आया आप वहाँ गवर्नमेंट की तरफ, आप मेरी बात समझिए, 1 लाख का टारगेट उन्हें मामा फूफू पापा दादा ने निकाल दिया, बेकाम करे बाल, बेकाम करे। खाते नंबर हमारे भी ले लेते हैं, आपके भी खाते नंबर ले लेते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे खाते में पैसा चला गया है और वो पैसा उधर जाता है, उधर जाता है और बात बढ़ाते रहते हैं, कहते हैं भेज दिए पैसा, भेज दिए हैं और वहाँ दूसरे निकाल दिए। चाची आप क्या कर रही थी, तेंदू पत्ती जो लेकर जाते हैं वो पुलिस वाले छीन लेते हैं, छीन लेते हैं। अच्छा, तो उनके वो वापस करते नहीं है, अब अगर वापस मांगो उनसे दबाव डालो तो वो मारने को तैयार हो जाते हैं या गलत मुकदमे में फंसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लाइट वाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, बिजली उजली आती है? बिजली तो आती है सर, अभी ये नए कॉलम खड़े हो गए हैं, इसमें मान लो फिटिंग हो रही है अभी। कोल आदिवासी आप लोग हैं, कोल आदिवासियों के कितने गांव होंगे यहाँ पूरे ब्लॉक में? हाँ नहीं नहीं, पूरे आस पास कितने गांव यहाँ पे होंगे? अपने आस पास मड़ियां ग्राम, मड़ियां ग्राम पंचायत, हाँ मड़ियां ग्राम पंचायत में लगभग अच्छा, जैसे तेंदू पत्ती के व्यवसाय के लिए आप लोगों को वो किया जाए और लकड़ी जैसे छोटे छोटे उद्योग है, बिनाई का जो होता है, जो कुर्सी वगैरह मिली जाती है उसकी लकड़ियाँ मिल जाती है, जड़ी बूटियों के लिए यहाँ कोई जो है अनुसंधान केंद्र बना दिया जाए तो उससे आप लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस पे अच्छा पानी, पानी वाली आता है क्योंकि पठारी क्षेत्र है, पानी की समस्या तो यहाँ साहब जीवन से ही बनी रहती है। जी नहीं, उसके लिए नलकूप वगैरह जो होता है, कुएं वगैरह अगर पर्याप्त मात्रा में होते हैं, कुएं पर्याप्त मात्रा में ना हो, जलकुंड वगैरह जो होते हैं यहाँ, यहाँ कुएं की व्यवस्था करेंगे तो 300 फीट के नीचे पानी नहीं मिलेगा। नहीं, सरकार इस पे आ जाए तो कर सकती है ना, लेकिन अस्थाई आप लोगों का एक वो मिल जाएगा ना भाई, आपको तो नहीं करना है ना, वो जब तक उसकी खुदाई होगी, जब तक वो तैयार होगा तब तक आप लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और उसके बाद उसका फायदा भी आप लोगों को मिलेगा। ये चीजें करनी चाहिए सरकार को, इसके लिए जो है हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे इतना ये 350 की बस्ती है, 350 की बस्ती, 350 है, 350। तो आप मान लो ये बिगड़ गया तो फिर मांग मांग पटेलों से पानी पीते हैं तो बड़ी आफत आ जाती है। वो भी चालू नहीं, उसमें मान लो प्रधान द्वारा समर टेबल पड़ा हुआ तो जब लाइट की प्रॉब्लम हो जाती तो फिर इधर उधर भटक, फिर मांग मांग के पानी, इसमें ऐसे पानी नहीं आता है, ऐसे नहीं, नहीं। समर टेबल बिना सब अच्छा तो कैसे आप लोग एक बार मांग मांग के कोई जैसे कोई पराई भी अपना निजी बोर कराया है उसके पास गए मांग लिए उसमें खराई होती है पानी के लिए। इतनी बड़ी समस्या है जो हमारे सबसे पहले जीवन की एक वो है, आधार है जीने का, पानी, और पानी के लिए आप लोगों को तरस रहे हैं कि पानी का कोई जलकुंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, 350 की आबादी पे
एक नल है वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। आपको जो कुछ बड़े लोग हैं जो अपने यहाँ कराए उनसे एक घड़ा दो घड़ा मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है अभी अभी भी अभी भी अभी भी मांगना पड़ता है। एक तरफ चित्रकूट जिला इतना विश्व पटल पे ख्याति प्राप्त है, हाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन उसी के बगल में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं और जिंदगी से लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा कहना है कि बच्चों की शिक्षा के लिए कोशिश कीजिए, उसके बाद आपकी कोई भी दिक्कत होगी हम आपको नंबर देकर जाएंगे, उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम लोग पूरी आपकी मदद करेंगे। प्रशासन की तरफ से कोई हीला हवाली हो रही तो उसमें हम लोग करेंगे, ये मदद हम लोग करेंगे आप लोगों की, आप अपना ही समझेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपकी समस्या को अभी यहाँ पूरा निपटारा करके जा रहे हैं, लेकिन आपका हमदर्द और हितैषी वो है जो आपकी समस्या में आपके सुख दुख का साथी बना रहे और आपके लिए लड़े, कम से कम आपके लिए कम से कम दूसरे से कहे कि ये चीज़ देखो तुम गलत कर रहे हो, हाँ इतना तो हम करेंगे, इतना हमारा प्रयास रहेगा। सर जब पानी को जाते हैं वो बिटियो क्या जाते आखा भल के कमाई के सुन, अब वो भाई से बड़ा आदमी है भाई से एक चाहिए वो चारा डाल दो। अच्छा हाँ हमारे भाई से चारा डाल दो, पानी के बदले वो घर का काम करवाते हैं, चारा डाल दो गोबर फेंक दो, अब हमारी तो जरूरत है करना पड़ेगा। अच्छा आप लोगों की जो कुल आदिवासी इसमें कुछ लोग आगे बढ़ पाए, आगे संपन्न हो पाए, निकल पाए आगे, इतना हुआ है कि पहले जो है तो खाने को एक दिन की नहीं आता था, अब ये एक दिन के भोजन का दो रोज के भोजन का अड़ जाता, इतना फर्क हुआ। बाकी आप लोग के समाज के कुछ लोग क्या बाहर भी नौकरी करते हैं? नौकरी यही तो आगे साहब भी चले गए महीना दो महीना का मुंबई से काम पे चले हैं, गुजरात चले गए, कुछ मिल गया कुछ दब का हुआ है, कुछ लूटे गए बिहार में, पैसा लेके आए कहीं कहीं जबलपुर में लूट गए, कहीं लूट गए कहीं जेब पट गया, सरकार का कहीं छक्का लूट लिए। सरकार की बातें सुनने में आवर रही साहब कि सबका पक्का घर बनेगा, हाँ सरकार ने कहा था सबके पक्के घर बनेंगे तो बने, की पक्का बनेगा ये कलोनी आती है आवाज वहाँ से आते हैं, लिस्ट आ रहा है आदमी यहाँ नाम सुना जाते फोटो खींच ले जाते हैं, देखते नहीं पक्का या बने दो 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 साल के फोटो खींच ले गए हैं और उनका नाम कट के सूची में और दूसरा और दूसरे एक जैसे प्रधान यहाँ यादव हुआ पटेल हुआ पर ट्रांसफर करके आप यहाँ पे जाति बिरादरी में कर देते हैं। हम तो मर गए नहीं नहीं देखिए भगवान है हम लोग का एक साथी वही है, वही आवास आए हैं उसी के सहारे जीना है, आवास आए हैं तो अब सच्ची बात है तो दबाव डालता है, किसी का खाता किसी बैंक का खुला तो वो बार बार दबाव डालता है कि हाँ इसी बैंक का खाता खुलाओ किस बैंक का खाता खुलाओ। अच्छा हाँ ये दबाव डाल, ये दबाव डाल के आ भी गया, मैं तुम्हें आठ साल के बीच में बता रहा हूँ, आवास हमारे घरों में आए तो केवल क्या कह रहा है कि वहाँ के बैंक की हमें खाता सेटिंग है, इनकी यहाँ सेटिंग है जहाँ सेटिंग है वहाँ दबाव डालते हैं, दलाली टोटल दलाली चल रही है, बम्फर दलाली चल रही है, आवत कहू के नाम है जात कहू के नाम है इधर ये गांव उसकी भी वही हालत है, वही हाँ ये सब एक ही परिवार है। वकील साहब आइए एक मिनट, बंद कर दीजिए।